watching news broadcast of Sigma Media Lab, Raigarh. Raigarh, Chhattisgarh. On the 5th of February 2021, in support of the Anchor-Kisan movement, congressmen did a check-up at Subhash Chowk in Barmakela Nagar today. Congress leaders of Barmkela block called the central government as anti-farmer. At the same time shouting slogans said that the central government is cheating the farmers. The three demanded the repeal of agricultural laws. A large number of bloc Congress officials were present in the demonstration. जी बताएंगे सुभाष चौक बरमकेला में चक्का जाम किया गया है. पुलिस की टीम किस तरह से यहाँ पे तैनात है, कैसे काम कर रही है, बताएंगे. आज किसानों के समर्थन में तीन घंटे का 12 से 3 बजे तक का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से चक्का जाम किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए हमारी पुलिस की टीम पूरे मुस्तैद है, जो अपने कार्य में देख रहा है अभी किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न घटे. अभी जो चक्का जाम किया गया है, अभी तक कुछ ऐसा घटना हुआ है या कुछ बताएंगे? हाँ, अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है. डेमोंस्ट्रेशन. Congressmen raised their voice for the farmers by sitting on the road near Subhash Chowk. A large police force team was present here during the blockade. The agitation of the farmers continued uninterrupted for more than 2 months against the Central Agriculture Act. It is, after the Republic Day, once again, the farmers have agitated the movement and today have blocked the whole country. किसान के समर्थन में आज बरमकेला सुभाष चौक में आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग, चक्का जाम को लेकर के क्या कहेंगे थे? आज बरमकेला में चक्का जाम किसानों के समर्थन में किया गया है. बीजेपी के जो कुछ मंत्री और सांसद हैं वो कहते हैं कि कुछ राज्य के लोग ही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जबकि वह काला कानून है. उस काले कानून से पूरे देश के किसान परेशान हैं और उस दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में केंद्र की जो सरकार है उनको बताने के लिए पूरे देश में किसानों के समर्थन में आज चक्का जाम का आयोजन किया गया है. उस तारे में हमारा बरमकेला ब्लॉक में भी चक्का जाम का आयोजन किया गया है. किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे चक्का जाम को लेकर? किसानों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा भयभीत न हो और इस चक्का जाम और किसानों के समर्थन में लगे रहें. इस काले कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा, हमें इसमें डटे रहना चाहिए. जी बताएंगे आज चक्का जाम किया गया है किसानों के समर्थन में, क्या कहेंगे? जी, दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं. आज 75वां दिन हो गया. नरेंद्र मोदी तीन काले कानून लेकर आए हैं जिसकी वापसी के लिए किसान लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं. इतिहास में पहली बार होगा जो इतने दिनों तक की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं. मोदी जी कहते हैं कि किसान के हित में है. हमें समझ नहीं आती कि अगर किसान के हित में है तो किसान इतना लंबा तक आंदोलन और लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं. इसी तारतम्य में हमारे बरमकेला विकास खंड में भी किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में देश में आज चक्का जाम का आयोजन 6 तारीख को ही 12 से 3 बजे तक रखा गया है. आज बरमकेला में भी 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का किसानों के समर्थन में रखा गया है. द नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ फार्मर्स हैज रिसीव्ड ह्यूज सपोर्ट इन बरमकेला. इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट Farmers' associations and many roadways have been closed in their support. Report from Devraj Deepak, Sigma Media Lab, Raigarh District, Chatishgarh.